अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल ऑनलाइन बिज़नेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। हर 10वां बंदा आपको ऑनलाइन बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। अगर आप भी उनमें से हैं तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप सब जानते हैं कि कस्टमर की विश होती है कि वो प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद पेमेंट करे, जिसको बिज़नेस की दुनिया में कैश ऑन डिलीवरी भी कहा जाता है। और सेलर भी चाहता है कि उसको लॉस ना हो और प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुंचे ताकि उसको पेमेंट टाइमली मिल सके। पाकिस्तान में बहुत से कुरियर कंपनीज कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रही हैं, बट मैं आपको TCS ही रिकमेंड करूंगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पोस्ट के बाद यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कवरेज नेटवर्क है और इनका ट्रैकिंग और मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है। TCS का कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनाना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। मैं आज की वीडियो में आपको ये बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आप अपने बिजनेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। TCS आपको पेमेंट भी 15 डेज के बाद कर देता है, यानी 15 दिन के अंदर जो भी आपकी सेल होगी वो आपको अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। तो आए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। आपने क्या कहा, वो ब्राउज़र ओपन कर लें अपना। इधर हम लिखेंगे TCS कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। ये देखें, ये ऑप्शन आ गया TCS, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर अकाउंट TCS कोरियर के नाम से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अभी हम इसको फिल करेंगे। ये पहली ऑप्शन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप है। ये पहले पूछ रहा है कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं। मोस्टली तमाम लोग टैक्स पेयर नहीं होते। हम नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, आप इधर अपना नाम सब कुछ लिखेंगे, अकाउंट टाइटल नेम या अकाउंट टाइटल। फॉर एग्जांपल इधर हम लिखेंगे, नाम एक लिख लेते हैं, मैंने ये भाई लिखा है सलमान। ओनर नेम भी हम यही लिख लेंगे, CNIC आपने लिखना है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा सिटी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कर लेता हूँ लाहौर। ये CNIC आपने इस तरह लिखना है डैश वाला डालने के बाद। तीन अच्छा, उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये भी देखें, लाहौर की तमाम ऑप्शन आ गई हैं। आपने इसमें से जो भी आपका एरिया वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने इधर कैनाल व्यू सेलेक्ट कर लिया है। पिकअप एड्रेस भी आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक फर्जी एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट डालना है। आपने अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस को ही लिखना है। हम कोई भी इधर ईमेल एड्रेस आपने लिख लिया है। ये आप ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने किस मेथड के थ्रू सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप फेसबुक लिख दें। उसके बाद फेसबुक का इधर आपने लिंक दे देना है।
बिजनेस नेम आपने कुछ भी लिख देना है, जो आपका बिजनेस नेम होगा। आपने एक्चुअल हर चीज़ फिल करनी है, ठीक है, क्योंकि जो इनका नुमाइंदा होगा वो आपके उसी एड्रेस से आपका पार्सल पिक करेगा। बिजनेस नेचर, रनिंग है, स्टार्टअप है, आप रनिंग कर दें। बिजनेस एड्रेस लिख दें, जो ऊपर आपने एड्रेस लिखा था वही इधर लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपने इधर इनकम का सोर्स बताना है कि आपकी जो बिजनेस कितने देर से आप रन कर रहे हैं, लेस देन 6 मंथ कर दें, या अगर आप इससे ज़्यादा देर से रन कर रहे हैं वो कर लें। एवरेज आपकी मंथली कितने पार्सल सेंड करते हैं, मैं अभी बिलो 25 कर लेता हूँ। कंटैक्ट पर्सन इधर लिख दें, हमने ऊपर जो लिखा था, ओनर लिखें, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर लिख दिया आपने, वो जो ऊपर लिखा था वो इधर आ गया। CNSE नंबर आपने जो ऊपर दिया है वो कॉपी करके इधर भी लिख दें। CNSE नंबर लिख दिया, उसके बाद ऐड वाला बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, प्रोडक्ट रेंज आ जाती है आपकी, कि आप किस तरह की चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं सिलेक्ट क्लोथिंग करता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, अगर इन लिस्ट में नहीं तो अपनी इधर लिख भी सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन में जाने के बाद इधर सेलेक्ट करें कि हम तमाम टर्म एंड कंडीशन से एग्री हैं। आप इसको रीड भी कर सकते हैं इधर क्लिक करने के बाद, आप इधर से रेट भी चेक कर सकते हैं। ये देखें अभी रेट भी आ गए कि आप विद इन सिटी भेजेंगे तो इसके क्या रेट होंगे, साउथ, नॉर्थ, विद इन सिटी 120, इतने ज़्यादा रेट नहीं है, कस्टमर आसानी से इसको पे कर सकता है। मैक्सिमम कितने, 250 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में सबसे दूर भी कहीं भेजते हो, फॉर एग्जांपल कराची से आप गिलगित भेजते हो, तो भी 250 से ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपका पार्सल आधा केजी से भी, 1 केजी से भी, बाद आधे केजी से भी कम है तो उसके रेट और भी कम है। इसके बाद अभी आप एक्सेप्ट क्लिक कर दें। बैंक अकाउंट डिटेल आपने देनी है, इधर आपने बैंक अकाउंट डिटेल दे देनी है, बैंक नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल आप इधर HBL बैंक अकाउंट लिखेंगे, ब्रांच लाहौर, कैनाल व्यू, उसके बाद IBN नंबर आपका, यानी इसका जो अकाउंट नंबर होता है। लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें देखें खुद ब खुद फिलअप हो चुकी हैं। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई कर देना है, सबमिट कर दें और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखें ऑप्शन आ गई है कि आपने जो ना अकाउंट के लिए आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है विद इन 24 आवर्स, जो ना इसके चाहिए पर्पस, आपको हो सकता है कॉल भी आए और या आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके ऊपर होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जमा करवानी है। ये देखें आप ये क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट डैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद इन 24 आवर्स। ये आपने तब जमा करवाने हैं जब आपको ईमेल आएगी और ईमेल में हर चीज़ दी हुई होगी, फॉर्म वहीं से आपने डाउनलोड करना है और सबमिट कर देनी है चीज़ें। ये स्टाम्प पेपर है 100 का, इसकी ज़रूरत नहीं है आजकल। आप करना भी चाहें तो इसका कोई इतना वो इशू भी नहीं है, ये आपको जब कॉल आएगी तो वो नुमाइंदा खुद बता देगा कि आपने 100 रुपीज़ का जो है स्टाम्प पेपर है वो जमा करवाना है कि नहीं। इसके बाद अभी हम ईमेल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने तमाम प्रोसेस पहले से किया हुआ है इसलिए मैं आपको इसे अगले प्रोसेस में ले चलते हैं।
इसके बाद आपको ईमेल कैसे आएगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपको ईमेल आएगी, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट आपकी हमें रिसीव हो गई है, ये चीज़ें सारी इधर भी बताएगा। इसके बाद अगली ईमेल क्या हमें आएगी, आप देख सकते हैं कि वही सेम जो उधर नोटिफिकेशन था वो इधर भी हमें रिसीव हो गया है। इसके बाद अगली ईमेल आपको आएगी ये वाली एग्रीमेंट, ये क्या इसमें आएगा कि तमाम एग्रीमेंट की कॉपीज होंगी वो आप फिल करके दोबारा वापस जमा करवानी है। ये देखें अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखें जो हमने लिखा होगा वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। आने के बाद क्या है आपने इसके ऊपर देखें साइन करके वापस भिजवाना है, इधर साइन की जगह भी होगी। ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर एग्रीमेंट जो आपने लिखा था वो इसका आ गया है। इसी तरह अंडरटेकिंग होगा, इसमें भी आपका वही एग्रीमेंट और अंडरटेकिंग तमाम दिया होगा, ये देखें ये आपने साइन करके भिजवाना है, इसके नीचे आपने साइन करने हैं और वापस स्कैन करके इन्हीं को फिर इसी ईमेल पर रिप्लाई कर देना है। इसके बाद जो तीसरी ईमेल आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली आ जाएगी, ये देखें कंग्रेचुलेशन यू हैव ऑफिशियली प्लग्ड इन टू टी सी एस ई कॉमर्स सॉल्यूशन एंड रेडी टू प्ले विल बी डायरेक्ट टू एन ई कॉमर्स लॉगिन पेज। यानी कि ये कह रहा है कि आपका देखें वन टाइम पासवर्ड भी दे दिया, अकाउंट नंबर भी दे दिया है मुझे, और इस लिंक के थ्रू ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब लॉग इन होंगे उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी अकाउंट ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें कोई ईमेल नहीं आएगी, इसके बाद आपने क्या करना है फॉर एग्जाम्पल इसी लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड फर्स्ट टाइम उन्होंने देना है, उसके बाद आपने चेंज कर लेना है। इसके बाद आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसकी विंडो इस तरह कुछ होगी जो आपके सामने नज़र आ रही है। फिर इसमें जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है, यानी कि आपका पार्सल किधर से वो रिसीव करेंगे और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी आपके पार्सल की वो किधर से होगा। ये सेटअप में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर है, इधर क्लिक करके भी आप बना सकते हैं। ये अगर आपको समझ ना आए तो ये ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है वीडियो की शक्ल में जो आप देख सकते हैं, लेकिन ये यानी कि बेसिक मकसद आपका ये है कि ये आपका अकाउंट इस तरह का कुछ होगा। यानी ये देखें तमाम डिटेल इधर होंगी, क्या आपने डिलीवरी कितनी की, बुकिंग कितनी की, रिटर्न कितनी है, पेमेंट कितनी है, कैश ऑन डिलीवरी, सब कुछ। बताने का मकसद ये है कि इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये लोकल कोरियर कंपनी की बजाय ये TCS आपको बेहतरीन सर्विस भी देगा और आपकी पेमेंट भी टाइमली मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।